यहाँ देखिए क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.6 एनसीईआरटी बुक 10th क्लास, ठीक है। एक का तीसरा नंबर क्वेश्चन है 4/(x + 3y) = 14 और 3/(x - 4y) = 23, ठीक है। ये तीसरा नंबर है, अगर दूसरा और पहला आप नहीं देखें तो मेरे मेरे चैनल पर जाइए देख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, मेरे बाबू बहुत अच्छा से समझाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बाटा में एक्स है ना, तो इसको हमको कोई उपाय करके चेंज करना होगा, कि मतलब ऊपर लिखना होगा। तो कैसे चेंज करते हैं ध्यान समझिएगा, ये चार है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए। तो फिर चार में जब एक्स से गुणा करेंगे तो चार होगा और एक्स, यानी 4x/(x) हो जाएगा ना। तो इसको ऐसे सजा दिया, उसके बाद प्लस 3y हो तो 3y रहने देते हैं बराबर 14। और इसको देखिए 3 × 1/(x) लिख सकते हैं ना, तभी तो आपका फिर गुणा करेंगे तो 3x/(3/x) हो जाएगा ना। और इसको ऐसे रहने दे 4y/(23), ठीक है। यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए हम इस 1/(x) को क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो देखिए एक्स और वाई छोड़ के एबीसीडी में से आप कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए a1/(x) को हम यू मान लेते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखते हैं, चलिए यहां पर लिखते हैं, माना कि 1/(x) बराबर, इसको हम मान लेते हैं क्या, यू मान लिया ना। अब जैसे ही देखिए वाई को कुछ नहीं माना, क्योंकि वाई ऊपर में है, बट्टा में नहीं है, ठीक है। यू जैसे माने इसको 1/(x) के जगह पर अब यू रख देंगे, ठीक है। चलिए रख देते हैं, तो 4 × u रख दिए प्लस 3y = 14 और उस तरह कम आए फिर इसमें रखेंगे, तो 3 × u - 4y = 23, समझ गए ना। अब 4 में यू से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4u होगा, ठीक है, प्लस 3y = 14। और इसको देखिए जब इसमें गुणा करते 3u - 4y = 23, ठीक है। इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। मेरे भाई समीकरण क्यों मानते हैं, क्योंकि बनाने में आसानी होगा, सॉल्व करने में मेरे को इजी लगेगा, ठीक है। और देखिए 4u, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान समझिएगा। यहां से भी u का मान निकालते हैं और यहां से भी u का मान निकालते हैं, क्योंकि यहां पर u और y का मान निकलेगा और उस u के मान को जब यहां पर रखेंगे तो x का मान निकलेगा। चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। तो u का मान कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए 4u का मान जब निकालना हो तो u को अकेला करते हैं, तो 3y = इधर भेजना होगा, यहाँ पर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो यहां पर लिखेंगे 14 - 3y। और 4 यहाँ पर क्या है, शॉर्ट के, इसका मतलब क्या है, गुणा रहता है, तो इधर जाएगा तो भाग होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे u = 14 - 3y/4, समझ गए ना। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 3u = कितना होगा, 23 + 4y, और 3 यहाँ पर शॉर्ट के, इसका मतलब क्या है, गुणा में इधर जाए तो क्या होगा, भाग, यहाँ पर लिखेंगे u = 23 + 4u/3, समझ गए ना। अब देखिए दोनों तरफ u का मान निकाल दिए हैं, अब क्या करेंगे, इस u के मान को यहां पर रख देंगे या इस u के मान को यहां पर रख देंगे, u की जगह पर, ठीक है। तो हमको y का मान निकल जाएगा, चलिए रख देते हैं, तो इस u के मान को यहां पर रख देते हैं, चलिए, ठीक है। तो यहां पर रखिए मेरे भाई 4 - 3y/4 रख दिए ना, बराबर 23 + 4y/3, यानी कि इस यू के मान को यहां पर रख दिए, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, यानी कि नीचे वाले के ऊपर में गुणा और इसको इसमें गुणा, तो चलिए करते हैं। 14 कितना होगा, 42 - 3 = 9y = 23, में जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 × 3 = 12 + 4 × 8 = 9 + 4 × 4 = 16y, ठीक है। अब क्या करते हैं, एबीसीडी वाले को एक साइड करते हैं और अंक वाले को एक साइड, यानी 16y यहां पर है, यहां पर 9y है, तो 9y को उधर भेजिए और 92 को इधर लाइए, ठीक है। तो यहां देखिए कितना होगा, 42, और ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, अब 16y + 9y, ठीक है। अब देखिए 42 में से, देखिए 42 में से जब 92 को घटाएंगे तो क्या करते, देखिए 92 यहां पर ज्यादा है, तो 92 में से 42 घटा के माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो चलिए घटा देते हैं। तो 92 में से जब 42 घटेंगे तो कितना होगा, 2 में से 2 = 0, और 9 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 5, और माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, बराबर 16y और 9y जुटेगा तब कितना वाई होगा, 25y, तो यहां पर लिखेंगे 25 और y है तो y, ठीक है। अब ये देखिए शॉर्ट केस का मतलब बाबू गुणा में है, तो 25 को किधर भेजेंगे, इधर, तो y का मान निकल जाएगा, तो यहां पर लिख देते हैं, चलिए, तो y बराबर कितना होगा, -50 और बटा में 25, जब 50 में जब 25 से भाग करते तो कितना आता है, 2, यानी कि y बराबर आपका हुआ माइनस और ये है 2, y बराबर निकल गया कितना, -2। इस y = -2 को कहां पर रखेंगे तो u का मान निकलेगा, देखिए
यहाँ पर भी रख देंगे तो यू का मान निकल जाएगा, और यहाँ पर भी रखेंगे तो यू का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर रखते हैं, जगह है तो यू बराबर कितना होगा, यू बराबर 14 माइनस 3, और वाई का मान -2 यहाँ पर भरना है, बट्टा 4। ठीक है, तो आपका होगा यू बराबर कितना 14, और माइनस में देखिए यहाँ पर पहले से माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस में माइनस से गुणा तो कितना होगा प्लस होगा, और 3 में 2 से गुणा तो 6, तो यह प्लस 6/4, और 14 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20/4, और 20 में जब 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा 5, तो यू बराबर आपका होगा कितना 5 निकला। ठीक है, लेकिन हमको यू का मान तो नहीं निकालना है, केवल किसका चाहिए, एक्स वाई का मान चाहिए और एक्स का मान चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, पहले से हम क्या मानते थे 1/x को माने थे ना यू, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 1/x को क्या माने थे यू, और यू का मान कितना है 5, यहाँ पर देखिए 5। ठीक है, अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे नीचे 1 मान के, तो x कितना होगा 5x = 1, और 5 यहाँ पर शॉर्ट के इसका मतलब क्या है गुणा में ले जाए तो क्या होगा भाग, यानी x बराबर कितना होगा 1/5, और y बराबर आपका कितना है -2, यही 2 हुआ आपका आंसर। तो धन्यवाद, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।